हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए चैप्टर 12 जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसका टॉपिक डील कर रहे हैं। और इस टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा टारगेट होगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को समझना। हम लोग डील करेंगे नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कैसे होती है प्लांट के अंदर। हमारा मेन रेफरेंस प्लांट ही है और प्लांट के रेफरेंस में ही हम लोग इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं कि केमिस्ट्री में जब हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक में हम जब ग्रुप 15 को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है ना, एंटीमनी और बिस्मिथ की स्टडी करते हैं। और वहाँ पर नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाती है, जहाँ एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है। फास्फोरस की फॉर्म तो P4 होती है, वो तो हम समझते हैं कि इस तरह से बन जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की जो फॉर्म होती है, ठीक है, वो नाइट्रोजन की फॉर्म कैसी होती है, N2 फॉर्म होती है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने से क्या होता है, ये बॉन्ड क्या कर देता है, नाइट्रोजन को अनएक्टिव एंड नॉन एक्टिव कर देता है। और नॉन एक्टिव करने से क्या होता है, एक रीज़न देखने को मिलता है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, एवरेज ये 78 होती है, तो हम इसको 78% लिख सकते हैं NCERT के अकॉर्डिंग। कई बार हम इसको 79 के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, लेकिन अब ये कोई मसला नहीं, इससे कोई प्रश्न आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 78% नाइट्रोजन है जो N2 फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन जैसे प्लांट O2 लेना चाहता है तो प्लांट O2 डायरेक्ट ले लेता है, किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में ले लेता है। अगर कोई प्लांट CO2 लेना चाहता है एटमॉस्फेयर से तो CO2 ले लेता है, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। अगर बाय द वे कोई प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना चाहता है तो वो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाता, उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होने से क्या हो जाता है, ये अनएक्टिव या नॉन एक्टिव हो जाती है। कोई प्लांट इसको सीधे या डायरेक्ट नहीं ले पाता। अब सीधे या डायरेक्ट नहीं ले पाता तो किसका क्या किया जाए, ये नाइट्रोजन को प्लांट क्या कर देता है, फिक्स कर लेता है। और नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है उसके थ्रू ही नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वायुमंडल से या एटमॉस्फेयर से क्या होता है, प्लांट फिक्स करके कहां पकड़ पाते हैं, अपनी बॉडी में ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन जो 78% एटमॉस्फेयर में होती है ये अनएक्टिव या नॉन एक्टिव होती है, और प्लांट इसको क्या करते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन होने से इसका रीजन है, प्लांट क्या करते हैं इसको फिक्स करते हैं, जिसे कहते हैं अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और किस फॉर्म में ले आते हैं, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं। इन फॉर्म की जो नाइट्रोजन की फॉर्म होती है, इस फॉर्म को प्लांट इनटेक कर लेते हैं और ये प्लांट की बॉडी में चली जाती है, ठीक है। जो प्लांट की बॉडी में नाइट्रेट गई है, इस नाइट्रेट को प्लांट क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन। उस डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा या उसके थ्रू ये नाइट्रेट क्या होती है, वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ओके। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों किया जाता है, उसे डायरेक्ट इंटेक क्यों किया जाता है, क्योंकि वो अनएक्टिव या नॉन एक्टिव होती है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होने की वजह से। दूसरी बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनटेक नहीं कर सकते, तो पहले इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना जो प्रोसेस होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो होता है, ये फिक्सेशन का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। एक तो इसकी फॉर्म होती है अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक होता है बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। इसके बीच में हम लोग बात कहें कि सर इतने ज्यादा पढ़ क्यों रहे हैं अपन लोग, क्या नाइट्रोजन बड़ा खास कॉन्स्टिट्यूट है? बिल्कुल, प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत खास कॉन्स्टिट्यूट है। अगर देखा जाए तो प्लांट के अंदर प्रोटीन, एमिनो एसिड, अपन सब पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल, और सब जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना मेन कॉन्स्टिट्यूट है। न्यूक्लिक एसिड ठीक है, ये सब किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से। क्लोरोफिल, इन सब में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन ही है। यानी नाइट्रोजन ना हो तो प्रोटीन ना बने, नाइट्रोजन ना हो तो एमिनो एसिड ना बने, नाइट्रोजन ना हो तो न्यूक्लिक एसिड ना बने, नाइट्रोजन ना हो तो क्लोरोफिल भी ना बने। तो सबके बनने के लिए कौन चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। इसलिए नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूट है, इसलिए हम उसका फिक्सेशन पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है, और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है तो उसका फिक्सेशन किया जाता है, और फिक्सेशन की जो प्रोसेस होते हैं वो अबायोटिक एंड बायोटिक होता है। एक बात और बड़ी क्लियर सी हो जाती है कि अगर हम बोल रहे हैं कि यार प्लांट के लिए नाइट्रोजन उसके एमिनो एसिड बनाने के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए ज़रूरी है, इवन वाइटामिन के लिए ज़रूरी है ना, और उसकी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इससे होती है, क्लोरोफिल बनने के लिए ज़रूरी है, तो ये नाइट्रोजन टू वे से प्लांट को मिलती है। तो या तो अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या बायोटिक होता है। अबायोटिक का मीन्स ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी विदाउट ऑर्गेनिज्म के होती है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व नहीं होता फिक्सेशन करने के लिए। और बायोटिक का मीन्स होती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के हेल्प से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो बायोटिक कहलाएगा। अब अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोगों ने, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, उसे टू फॉर्म में बांट दिया, एक तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है, और एक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए फिजिकल का सिंपल सा मीन्स ये होता है कि जब रेनफॉल होता है तो उस रेनफॉल के टाइम क्या होता है कि जो बिजलियाँ कड़कती हैं, गरजती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती हैं और जो ऑक्सीजन गैसेस होती हैं उनके फिक्सेशन से बन जाता है NO, और इससे मिलती है और ऑक्सीजन जिससे बन जाता है NO2, और इससे मिलती है और ऑक्सीजन जिससे बन जाता है NO3। तो रेनफॉल के टाइम पर होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेती हैं और क्या होती हैं, नाइट्रेट बना देती हैं। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी हेल्प से होता है, जो नाइट्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन होती हैं वो हायर टेम्परेचर ठीक है, और हायर प्रेशर पर क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, और उससे क्या बन जाती है, अमोनिया। ये प्रोसेस कहलाता है हेबर मेथड, जो आपने पी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, हेबर मेथड, ओके, HABER। अब हम लोग ये बात करें कि इस तरह से अमोनिया का सिंथेसिस हो जाता है, ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब बायोटिक जो होता है, बायोटिक का जो प्रोसेस है वो टू टाइप से होता है, एक तो होता है नॉन सिम्बायोटिक, और एक होता है सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक का मींस क्या है, नॉन सिम्बायोटिक का मींस ये है कि ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें क्या होता है, प्लांट और प्लांट के साथ मिलने वाला ऑर्गेनिज्म, प्लांट वो जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होना है और जिसके थ्रू होना है, वे ऑर्गेनिज्म, उन दोनों के बीच में कोई भी क्या होता है, ऐसा रिलेशन नहीं होता जो दोनों के लिए हेल्पिंग नेचर का हो।
सिम्बायोसिस का सिंपल मीन्स होता है, या म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं इसको हम, जहाँ दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, किसी को हार्म नहीं होता, दोनों को ही प्रॉफिट मिलता है। नॉन सिम्बायोटिक में यह है कि विदाउट हेल्प क्या होता है कि प्लांट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं वो अलग अलग बात है। यहाँ हम लोग बात करेंगे, एक तो हम लोग बात करेंगे एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, एक बात करेंगे हम लोग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और एक बात करेंगे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन की। एनएरोबिक और एरोबिक कौन होंगे? बैक्टीरिया होंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, एक एनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ठीक है, और एक ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, उनके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। हम एरोबिक में एग्जाम्पल दे सकते हैं एजोटोबैक्टर का, ठीक है, एनएरोबिक में नाम दे सकते हैं हम रोडोस्पाइरुलम का, हमारी एनसीईआरटी ने यह नाम दिया है रोडोस्पाइरुलम, ठीक है, और बीजीए का जो हम नाम दे सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में नोस्टोक हो जाता है, एना बीना हो जाता है, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं नॉन सिम्बायोटिक के अंदर आते हैं। तो नॉन सिम्बायोटिक के अंदर क्या कंडीशन होती है, इस तरह से ये कंप्लीट करते हैं। सिम्बायोटिक को अपन बाद में लेंगे, वहां स्पेस नहीं अपने पास अभी, तो उसको अपन लोग जब रफ कर लेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे तब बात करेंगे उसकी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो एरोबिक होता है, एरोबिक बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक कंडीशन होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है। एनएरोबिक में आते हैं रोडोस्पाइरुलम, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है नोस्टोक, एना बिना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, हमने पढ़ा है, इनमें हेटेरोसिस्ट मिलती है और उस हेटेरोसिस्ट के थ्रू क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में इसकी स्टडी कर ली है। तो ओवरऑल हमारे सामने एक क्राइटेरिया आ जाता है, इसको हम वन बाई वन लेंगे तो सही, कि अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, टू टाइप्स का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जो बायोटिक होता है विदाउट ऑर्गेनिज्म होता है, हेल्प विदाउट ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो अबायोटिक होता है वो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो रेनफॉल का टाइम होता है, जहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है हायर टेम्परेचर पर, जब बिजली कड़क रही है, बहुत टेम्परेचर हाई हो रहा है, उस टाइम क्या होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलती हैं और NO बना देती हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, उससे फिर ऑक्सीजन मिल जाती है जिससे NO2 बन जाता है नाइट्राइट, और उससे फिर ऑक्सीजन मिल जाती है जिससे बन जाता है नाइट्रेट। इसको अपन अलग से पढ़ भी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक जनरल आइडिया रखना। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा? हेबर मेथड से होगा, लैब का मेथड है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से और अमोनिया बन जाएगी, ठीक है, हेबर मेथड कहलाता है ये। अगली बात, अगर अपन बात करते हैं बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पर क्या होता है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक होता है। नॉन सिम्बायोटिक में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म विदाउट हेल्प नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है, और सिम्बायोटिक में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। एनएरोबिक एरोबिक में क्या होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है नाइट्रोजन का क्या होता है जो फिक्सेशन होता है। अब कैसे होता है वो, जो एजोटोबैक्टर हैं वो इसमें हेल्प करेंगे। एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। रोडोस्पाइरुलम इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है, वरना हम लोग चाहें तो क्लास्ट्रिडियम भी नाम दे सकते हैं, एक को नाम ले सकते हैं हम क्लास्ट्रिडियम, ये क्लास्ट्रिडियम जो किस में आता है हम लोगों के एरोबिक के अंदर, हम लोग जो नाम दे सकते हैं उस एरोबिक के अंदर जो हम लोगों ने नाम दिया है वो तो एजोटोबैक्टर हो गया, और एन एरोबिक के अंदर दो नाम हमारे सामने आ गए, एक तो क्लॉस्ट्रिडियम और एक रोडोस्पाइरुलम। तो क्लॉस्ट्रिडियम एंड रोडोस्पाइरुलम दोनों नाम किस में आएंगे, एन एरोबिक के अंदर आएंगे। और ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोक एना बीना जो होता है इनमें क्या होता है विदाउट हेल्प क्या हो जाता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, क्यों, क्योंकि इनमें आप लोग देखते हैं इस तरह की हेटेरोसिस्ट मिलती है, और इस हेटेरोसिस्ट मिलने से क्या होता है जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये उसे काइमेट चेंज कर देते हैं नाइट्रेट में, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है इनकी हेटेरोसिस्ट। तो
तो हेटेरोसिस्ट के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं ये। तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये नॉन सिम्बायोटिक होता है। अब इसके बाद हम सिम्बायोटिक को समझेंगे, लेकिन सिम्बायोटिक को समझने के लिए हम लोग पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद जब ये कॉपी हो जाएगा तो उसके बाद हम रफ करके सिम्बायोटिक को समझेंगे। तो पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने ये बात समझ ली कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस किस किस तरह से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग आते हैं तो चार्ट से हम समझ रहे हैं, फिलहाल एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की पोजिशन क्या होती है, ताकि हम लोगों को एग्जाम्पल याद हो जाए। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वे टू ऑर्गेनिज्म के आपस में जो होता है कमनसेलिज्म, या अपन बोल सकते हैं म्यूचुअलिज्म, सॉरी, तो म्यूचुअलिज्म वर्ड ऐसा सुटेबल वर्ड है कि टू ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, साथ रहेंगे, वो परमानेंट साथ रहें या टेम्परेरी साथ रहें ये मुद्दा नहीं है, लेकिन वो साथ रहें और दोनों के लिए बेनिफिशियल हों, तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें टू टाइप्स के प्लांट में मिलेगा, एक तो लेग्यूम प्लांट, जिनके अंदर क्या होंगी लेग्यूम बनेंगे, और ये लेग्यूम जो जनरली बनेंगे या तो रूट में लेग्यूम बनेंगे या स्टेम में लेग्यूम बनेंगे। या तो ये रूट के लेग्यूम होंगे या स्टेम के लेग्यूम होंगे। ऐसे ही हम लोग देखेंगे ये जो होगा नॉन लेग्यूम प्लांट में भी होगा, नॉन लेग्यूम प्लांट। तो लेग्यूम प्लांट और नॉन लेग्यूम प्लांट दोनों टाइप के जो प्लांट होंगे इस तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करेंगे। अब लेग्यूम और नॉन लेग्यूम प्लांट में जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उस फिक्सेशन की क्या स्पेशलिटी होगी, जो रूट लेग्यूम प्लांट्स होंगे उनमें लेग्यूम रूट्स के अंदर मिलेंगे आपको इस तरह से, और स्टेम लेग्यूम प्लांट जो होंगे उनमें स्टेम मिलेंगे आपको, उन स्टेम के अंदर आप लोगों को ये कंडीशन मिलेगी, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन में हम लोग ध्यान दें, जैसे अगर अपन लोग बात करते हैं कि यार रूट लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे अपन लोग बात करें रूट लेग्यूम प्लांट के अंदर पी यानी मटर या कोई सी भी जो दालें वगैरह हैं उनमें क्या होता है, लेग्यूम प्लांट मिलते हैं, और ये लेग्यूम प्लांट जो होते हैं ये लेग्यूम प्लांट तो कौन हो जाते हैं, जैसे पी हमने लिख दिया मटर, तो पी तो किसका एग्जांपल हो गया, लेग्यूम प्लांट का। हम इसकी जगह लिख सकते थे ग्राम, उसमें भी आ जाता था तो उसमें भी चल जाता। तो जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उन लेग्यूम प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया मिलता है राइजोबियम, ये राइजोबियम किसको शो करता है कि रूट लेग्यूम प्लांट के साथ उसकी रूट की लेग्यूम में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, और ये दोनों बैक्टीरिया और ये प्लांट क्या करते हैं आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशन में कि राइजोबियम जीवाणु तो इसको दे देता है नाइट्रेट, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या मिल जाती है इसको नाइट्रेट, और पी जो होता है वो पी क्या मिलता है इसको क्या देता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दे देता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो मतलब की बात ये निकल के आ रही है कि राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है पी प्लांट हो गई, जितनी भी दालें हो गई है ना, अपनी ग्राम वगैरह हो गई, चना वगैरह हो गया, उन सब में क्या हो जाता है जो नोड्यूल मिलते हैं उन नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं इन नोड के साथ क्या शो करते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इन प्लांट्स में क्या हो जाता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, किसके थ्रू राइजोबियम के थ्रू। ऐसे हम लोग ध्यान दें एक प्लांट होता है जिसमें स्टेम के अंदर लेग्यूम बन जाती है। अब स्टेम के अंदर लेग्यूम बड़ी रेयर है, लेकिन एक प्लांट होता है सेसबिनिया ध्यान रखना सेसबिनिया प्लांट है जिसकी स्टेम में लेग्यूम होती है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो बैक्टीरिया होगा वो होगा एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम ये क्या है बैक्टीरिया है। तो एजोराइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है,
इस सेसबिनिया प्लांट की स्टेम की लेग्यूल में मिलता है, और दोनों क्या करते हैं, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा या और नाइट्रेट इसको देगा सप्लाई, बदले में इसको क्या मिल जाएगा, किसको, सेसबिनिया के अंदर सेसबिनिया को एजोराइजोबियम से क्या मिला, नाइट्रेट, और बदले में एजोराइजोबियम क्या मिला, प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके अंदर मिलेगा तो प्रोटेक्शन ही मिलेगा, फायदा ही फायदा है। अब लोग ध्यान दें कि ये कंडीशन तो लेग्यूम प्लांट की हो गई कि भाई लेग्यूम प्लांट के अंदर क्या पोजीशन होती है और किस तरह से आप लोगों को ये देखने को मिलता है। ऐसे आप लोग ध्यान रखना नॉन लेग्यूम प्लांट्स भी होते हैं, जैसे एलनस, एलनस के साथ एक बैक्टीरिया मिलता है, ये एलनस प्लांट है, ध्यान रखना, जो नॉन लेग्यूम प्लांट है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि देखने को मिलता है कि किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो एलनस प्लांट के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया मिलता है जिसे बोलते हैं फ्रैंकिया। अब फ्रैंकिया के थ्रू क्या होता है, जो एलनस प्लांट होता है, इस पर्टिकुलरली एलनस प्लांट के थ्रू फ्रैंकिया जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, तो नाइट्रेट की सप्लाई किसको हो जाती है, एलनस को, और एलनस के बदले में इस प्लांट को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, इसको बैक्टीरिया को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, लेकिन इस रिलेशन में लेग्यूम नहीं बनती एलनस में, ना रूट में बनती ना स्टेम में बनती। तो विदाउट लेग्यूम बनाए एलनस क्या करता है, फ्रैंकिया बैक्टीरिया के साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, और इस सिम्बायोटिक रिलेशन की हेल्प क्या मिलती है कि फ्रैंकिया से एलनस को मिल जाती है नाइट्रेट, और एलनस से फ्रैंकिया को मिल जाता है प्रोटेक्शन, साथ ही साथ फूड भी मिलता है लेकिन प्रोटेक्शन भी मिलता है। ऐसे ही स्टेम में लेग्यूम बनती है, ये लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, यह सेसबिनिया, सेसबिनिया में क्या होता है, एजोराइजोबियम, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो लेग्यूम से होता है। सेसबिनिया के स्टेम के लेग्यूल में कौन मिलता है, एजोराइजोबियम, और ये एजोराइजोबियम क्या करता है, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और किसे देता है, सेसबिनिया को, और सेसबिनिया को क्या मिल जाता है, सेसबिनिया से एजोराइजोबियम को प्रोटेक्शन मिल जाता है। इधर हमने बात की इसकी रूट लेग्यूम प्लांट्स की, और रूट लेग्यूम प्लांट में हमने बताया कि जो पी होता है या कोई सी भी लेग्यूम प्लांट्स है, पी हो गई, सारी दालें हो गई, उन सबकी रूट्स में क्या होता है, उन सबकी रूट्स में लेग्यूम होते हैं, यानी गांठें होती हैं, नोड मिलती हैं, उन नोड में कौन मिलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, वायु एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को काय में चेंज कर देते हैं नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट किसको सप्लाई हो जाती है, इन लेग्यूम प्लांट को, जिसे पी वगैरह है, और बदले में इन राइजोबियम जीवाणु को क्या, बैक्टीरिया को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या ले लेते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से दोनों को हेल्प मिलती है, और इस तरह से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये बात कवर कर लिए कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होता है। अब एक देखिए एनसीईआरटी में अपन उस फ्रेम पे चलते हैं, उस बात को समझते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में एनसीईआरटी ने नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजोटोबैक्टर के साथ एक नाम और दे रखा है, और उस नाम को भी अगर हम लोग ध्यान दें तो उससे भी हमारा काम चलेगा। तो एक नाम ध्यान रखना आप, एरोबिक बैक्टीरिया में हम लोगों ने एक नाम तो यूज किया है, एजेटोबैक्टर, यानी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन का यूज करते हुए क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हुए एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो नॉर्मली ये ध्यान रखना कि हम जब बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो वहां पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो तो हमने कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक के सभी एग्जाम्पल हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर हमारी एनसीईआरटी की बात करें हम लोग, तो एनसीईआरटी ने एक नाम और दे रखा है, बेजरनीकिया। ये नाम भी ध्यान देना, हमने एक नाम यूज किया है एजेटोबैक्टर, ठीक है। एक नाम पर और ध्यान देना जो नेम है बेजरनीकिया। तो एनसीईआरटी ने अबायोटिक जो अपन ने लिखे हैं, बायोटिक फैक्टर लिखे हैं, उन बायोटिक फैक्टर में हमने जो लिखा है कौन से, एरोबिक बैक्टीरिया,
उसमें ये नेम भी जरूर ध्यान रखना, ताकि एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी नेम हैं वो हमारे कवर हो जाएं। एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं, उन एरोबिक बैक्टीरिया में आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो एजेक्टोबैक्टर और एक बेजरनीकिया, ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया में आते हैं। और कौन सी कंडीशन में आते हैं? नॉन सिम्बायोटिक में आते हैं। तो नॉन सिम्बायोटिक होते हैं तो कैसे होते हैं? ये फ्री लिविंग, यानी एक दूसरे के साथ ये अटैच नहीं होंगे, कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं शो करेंगे। तो एक नेम तो आपने अपने चार्ट में यूज़ कर ही लिया, एजेक्टोबैक्टर, और दूसरा नेम कौन सा लिखेंगे आप? बेजरनीकिया। तो इस तरह से हम लोगों को ये बात कवर हो जाती है कि जो ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन का प्रोसेस है, ये अबायोटिक फॉर्म में किसके थ्रू होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया कौन सा रोल प्ले करते हैं, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस नेम को लिख लीजिए चैट उस चार्ट में आप लोग, बेजरनीकिया, जो किसके अंदर आएंगे? एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कवर है। अब हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया अबायोटिक और बायोटिक में। अबायोटिक में फिजिकल प्रोसेस और हमने केमिकल प्रोसेस की बात की। तो नॉर्मली ओवरऑल हमारे समझ में जो आया उसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग अगर एक बार और देख लें तो हमारे समझ में क्या आता है कि अबायोटिक नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हमने पढ़ा, उस अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे हुआ, वो दो प्रोसेस से हुआ, एक तो फिजिकल प्रोसेस और एक हमने बतलाया था कौन सा, इंडस्ट्रियल मेथड। तो जो फिजिकल प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसको एक बार हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। हम लोगों ने चार्ट में भी डिस्क्राइब कर लिया है उसे, और इसका डिस्क्रिप्शन देखना कैसे होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती हैं। आप बोलेंगे सर एटमॉस्फेयर में तो ये वैसे ही है, तो तब क्यों नहीं मिल रही है? बिल्कुल सही सोचा आपकी, एटमॉस्फेयर में आपस में नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही बिजली चमकती है, कड़कती है, बहुत तेज क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है बिजली के कड़कने गरजने के टाइम पर, तो एट द टाइम क्या होता है, टेम्परेचर राइज होते ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल जाती है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देती है। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन से और रिएक्ट करता है और नाइट्राइड बना देता है। जो ये नाइट्राइड बनती है ये ऑक्सीजन से और रिएक्ट कर लेती है और क्या बना लेती है, ये नाइट्रेट बना लेती है। ओके, अब ये जो नाइट्रेट बनी है ये नाइट्रेट क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है तो क्या हो जाता है, HNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये HNO3 क्या होता है, जैसे ही कहां आता है, ये HNO3 जैसे ही नीचे आता है, अब नीचे कैसे आएगा, पहली बात तो आप ध्यान देना, फर्स्ट प्रोसेस में तो क्या हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, सेकंड प्रोसेस में नाइट्राइड बन गई, थर्ड प्रोसेस में नाइट्राइड बन गई है, और नाइट्राइड जैसे ही रेनफॉल के साथ, ये रेनफॉल के साथ यानी रेन वाटर के साथ मिलेगी तो क्या बना देगी, नाइट्रिक एसिड। और जैसे ही नाइट्रिक एसिड क्या होगा, सोइल में गिरेगा, तो सोइल में जो प्रेजेंट है कौन, जो सॉल्ट प्रेजेंट है उनसे क्रिया रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, उनके नाइट्रेट। जैसे ये मान लीजिए आप लोगों ने कैल्शियम नाइट्रेट बना दिया, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए किसी और भी फॉर्म में फॉर्म रिएक्शन कर लेगा, जैसे मान लीजिए आयरन से फॉर्म क्रिएट कर ली, तो आयरन से कर ली तो क्या बन जाता है, आयरन नाइट्रेट बन गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के नाइट्रेट बना लेगा और ये सब कहाँ आ जाएंगे, सोइल में आ जाएंगे। तो ये अपन ने क्या बतलाया कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है और किसके थ्रू हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, और ये फिक्सेशन किसके थ्रू हो रहा है, अबायोटिक फैक्टर है, कोई भी यहाँ पर बायोटिक फैक्टर नहीं आया, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या हो रही है, नाइट्रेट के फॉर्म में सोइल के अंदर आ रही है, ये सब सोइल के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। आगे हम लोग ध्यान दें तो यही फिक्सेशन कैसे होता है, फिजिकल प्रोसेस से भी होता है, और फिजिकल प्रोसेस के बाद हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल मेथड से। इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे होता है, हमने बताया था चार्ट में भी कि जो नाइट्रोजन होती है वे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर
एंड हाई टेम्परेचर पर, और दोनों की रिएक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अमोनिया फॉर्मेशन हो जाता है, यह मेथड कहलाता है, इंडस्ट्रियल मेथड तो है लेकिन इसको कहते हैं हेबर मेथड। ठीक है, तो इन दो वे से हम लोग समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो ओवरऑल हमारे समझ में ये आ रहा है कि यार जो नाइट्रोजन का सिंथेसिस होता है वो अबायोटिक प्रोसेस से कैसे होते हैं, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब प्रोसेस हमारे सामने इंडस्ट्रियल मेथड की फॉर्म में आ जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग तो पहले आप इसको कॉपी करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने समझ लिया कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो कैसे होता है। अब हम लोग इस पूरे प्रोसेस में, जहां हमने फिजिकल प्रोसेस की बात की, इंडस्ट्रियल मेथड की बात की, अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, ये हमने जनरल अकाउंट लिए हैं और जनरल अकाउंट या जनरल अमाउंट में हमने समझा है कि किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमसे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से होती है। तो अगर नाइट्रोजन साइकिल को हमें पढ़ना हो तो हम उसको समझते हैं कि किस तरह से डन होती है। सबसे पहली बात, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को हम लिख देते हैं 78%, 79 भी लिख देंगे एवरेज में चलेगा। ये नाइट्रोजन 78% कहां पर है, एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तरीके अलग अलग होते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ जाती है, नाइट्रेट फॉर्म में आ जाती है। कहां, सोइल में, जबकि ये नाइट्रोजन कहां है, एयर में है, एटमॉस्फेयर में है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, एटमॉस्फेयर में है। ओके, अब ये कंडीशन आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। अभी हमने बताया कि इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से यहां तक लाने के जो प्रोसेस होगा वो टू वे में होगा, बायोटिक एंड अबायोटिक। अगर अपन अबायोटिक की बात करते हैं तो अबायोटिक के टू वेज हमने बताए, एक तो हमने बताया फिजिकल प्रोसेस से, इसको अभी हमने समझा, और सेकंड हमने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। तो हमने दो प्रोसेस को समझा इसमें कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस दोनों में आते हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि यार ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है वो बायोटिक हो रहा है, तो बायोटिक के भी टू वेज हमने डील किए, एक तो हमने बतलाया सिंबायोटिक हो रहा है और एक बतलाया नॉन सिंबायोटिक हो रहा है। नॉन सिंबायोटिक एंड सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ऑब्वियसली इसमें कौन इन्वॉल्व है, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। ओके, तो सिंबायोटिक हो या नॉन सिंबायोटिक हो, इसमें कौन इन्वॉल्व है, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। ओके, जब ये ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है कि ये डेड होते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, डेड तो होंगे, जो है वो मरेगा सही, तो डेड होंगे तो इनका डिके होगा, और डिके से एक एमिनो एसिड फ्री होगा। ठीक है, कौन फ्री होगा, एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड क्या होता है, जैसे फ्री होगा तो ये अमोनिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एमिनो एसिड को अमोनिया में जो चेंज होगा, इस चेंज को करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे उसका नाम होगा बेसिलस रेमोसस, बेसिलस रेमोसस। तो बेसिलस रेमोसस बैक्टीरिया क्या करेंगे, एमिनो एसिड को अमोनिया में चेंज कर देंगे। और ये जो प्रोसेस हम लोग डील कर रहे हैं इसे कहा जाएगा एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन। ओके, तो एमोनिफिकेशन से क्या होगा, एमिनो एसिड जो होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, अमोनिया में। और इस चेंज को कौन सा बैक्टीरिया डन करेगा, बेसिलस रेमोसस। अब क्या होगा, ये जो अमोनिया है ये अमोनिया चेंज होगी नाइट्राइट में, नाइट्राइट, नाइट्राइट यानी NO2 माइनस। ठीक है,
जब ये नाइट्रेट में चेंज होगी तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट, नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट। और अब क्या होगा, ये नाइट्राइट चेंज हो जाएगी नाइट्रेट में, और जब नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज हो जाएगी तो इसे कहा जाएगा नाइट्रिफिकेशन सेकंड, और नाइट्रिफिकेशन सेकंड जिससे होगा उसे कहा जाएगा कि भाई ये दोनों जो स्टेप हैं नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट और सेकंड, ये कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होंगी जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। जैसे ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये होगा नाइट्रोसोमोनास के थ्रू, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा, ये होगा नाइट्रोबैक्टर, कौन सा प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन सेकंड, नाइट्रोबैक्टर, और एक होगा एजेक्टोबैक्टर के थ्रू, और दोनों ही कैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। तो एजेक्टोबैक्टर और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ये काम करेंगे, जिससे क्या होगा नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज हो जाएगी। और वाला हमारे सामने ये बात समझ में आ गई है कि किस तरह से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ आ गई है, नाइट्रेट के फॉर्म में आ गई है। तो ये प्रोसेस को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि ये किस तरह से चल रहे हैं। ये अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, ये एमिनो एसिड है, यहाँ नाइट्राइट बना है और यहाँ पर नाइट्रेट बनी है। तो जो चेंजेस हैं उसको जरूर ध्यान रखना कि किसका किस में कहाँ से चेंजेस हुआ है। अब अगर सारी की सारी नाइट्रेट नाइट्रोजन नाइट्रेट में आ जाती है सोयल की फॉर्म, सोयल में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी भी नाइट्रोजन है वो 78% है एटमोसफेयर में, अगर वो सारी नाइट्रेट की फॉर्म में सोयल में आ जाती है तो एटमोसफेयर में तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। जबकि हम पढ़ रहे हैं साइकिल, और साइकिल की हमेशा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना लिया है एटमोसफेयर से उतना देना होगा। तो अब क्या होगा, ये नाइट्रेट जो होगी, इस नाइट्रेट का क्या होगा डीनाइट्रिफिकेशन, इस नाइट्रेट का क्या होगा डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन जो होगा उस डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होगी, ये जो नाइट्रोजन है जो नाइट्रेट है वापस क्या होगी नाइट्रोजन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो हम लोग ये ध्यान दें कि ये प्रोसेस होता है कि यार जो नाइट्रेट बनी है वो नाइट्रेट वापस क्या किस फॉर्म में चली जाएगी, नाइट्रेट की फॉर्म में। तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाना क्या कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन, और इस प्रोसेस को करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, यहां लिखते हैं हम लोग बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन नाइट्रेट होती है उसे नाइट्रोजन की फॉर्म में चेंज कर देता है और एटमॉस्फेयर में पहुंचा देता है। तो ओवरऑल जो नाइट्रोजन साइकिल चलती है या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चलती है वो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलती है। एक बार इसको समझते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है कितनी परसेंट है 78%। अबायोटिक वे से, फिजिकल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, या बायोटिक वे से, नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक से क्या हो जाती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। और ये जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है तो ये फिक्स नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ जाती है नाइट्रेट के फॉर्म में आ जाती है, कहाँ सोइल में। ओके, इसी के साथ क्या होता है, जो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड होंगे, क्योंकि लाइव तो डेड भी होंगे, इनके डेड होने से क्या फ्री होगा डीके होगा, सड़ना गलना होगा इनका, और डीके से कौन सा फ्री होगा एसिड एमिनो एसिड, इस एमिनो एसिड को अमोनिया में चेंज कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस कहलाएगा एमिनिफिकेशन। ये किसके थ्रू होगा बेसिलस रेमोसस बैक्टीरिया के थ्रू। अमोनिया अब क्या में चेंज होगी नाइट्राइट में, इस प्रोसेस को कहा जाएगा नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। अब नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होंगे वो इस तरह से क्या बना देंगे नाइट्राइट, अब ये नाइट्राइट क्या होगी इस तरह से नाइट्रेट बना देगी, और ये जो नाइट्रेट बनेगी ये सोइल में आ जाएगी। सोइल में आई नाइट्रोजन नाइट्रेट को क्या होगा वापस एटमोसफेयर में नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में पहुंचा दिया जाएगा, इसे कहा जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, और ये किसके थ्रू फ्री होगा बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरह से नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म चलती है, इसे आप कॉपी कीजिए, फिर हम इसका एंड करते हैं।
अब देखिए, अगर हम लोग ये ध्यान दें कि हमारी एनसीईआरटी किसके अकॉर्डिंग चलती है, तो एनसीईआरटी ने इन बेसिलस जीवाणु में टू नेम लिखे हैं, ठीक है। एक नेम तो लिखा है उसने सुडोमोनास और एक थायोबेसिलस, तो दोनों नेम ध्यान रखना, एक लिखा है सुडोमोनास और एक नेम लिखा है थायोबेसिलस। तो दो दोनों बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं। हमारे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डीनाइट्रिफिकेशन किन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, सोडोमोनास और थायोबेसिलस, दोनों के पीछे क्या लगेगा, डीनाइट्रिफिकेंस। हम ये भी कह सकते हैं सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, और सेकंड नेम हम लिख सकते हैं थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, क्योंकि दोनों ही बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस हम बोलते हैं, उसमें बेसिलस में कौन से आ जाते हैं, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस और एक थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। हमारी एनसीईआरटी ने डीनाइट्रिफिकेंस नहीं लगाया, अंडरस्टूड है लगता है, नहीं लगाते तब भी ध्यान रखना सुडोमोनास एंड थायोबेसिलस, ठीक है। और हम लोग ध्यान दें, एक कुछ केमिस्टिकल केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उनको भी समझ लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है कि हमने बताया कि जो अमोनिफिकेशन की रिएक्शन होती है, अमोनिफिकेशन से क्या बन जाता है, एम्यूनो एसिड अमोनिया बना लेता है। अब जब एम्यूनो एसिड अमोनिया बना लेता है तो आगे क्या होता है, ये अमोनिया चेंज होती है किसमें, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट बाद में क्या में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट में। तो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया से ऑक्सीजन मिलती है, किस प्रोसेस में, नाइट्रिफिकेशन में, और उससे क्या बन जाता है, नाइट्राइट आयन प्लस एच प्लस और प्लस वाटर। इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान रखना, बैलेंस करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है यहां टू लगा देना है, यहां आपको थ्री लगा देना है, यहां टू, यहां टू और यहां टू, ये बैलेंस है। तो ध्यान रखना, अमोनिया किससे मिलेगी, ऑक्सीजन से, और क्या बना देगी, नाइट्राइट और 2H+ बन जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमको सिंपल सा ध्यान देना है कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, अमोनिया का नाइट्राइट में चेंज हो गया, और अमोनिया का नाइट्राइट में चेंज हो गया तो नाइट्रिफिकेशन जो फर्स्ट है वो तो हो गया। अब नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट होने के बाद क्या होगा, जो ये नाइट्राइट बना है, ये नाइट्राइट ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा, नाइट्रेट बना देगा। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा नाइट्रेट बन जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहां टू लगा दीजिएगा और यहां टू लगा दीजिएगा, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से आपके सामने सेकंड जो नाइट्रिफिकेशन है उसकी स्टेप भी आ जाएगी, इसे कहेंगे हम लोग नाइट्रिफिकेशन सेकंड। तो ये दोनों रिएक्शंस का भी ध्यान रखना जो हमारी एनसीईआरटी ने दिए हैं। तो आप लोग ये ध्यान दें कि किस तरह से कंप्लीट नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म होती है, ये कंप्लीट हो गई हमारे सामने कि ये प्रोसेस किस तरह से होती है, क्या रिएक्शंस में होती है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस पढ़ेंगे, और वो प्रोसेस क्या होगा उसमें हम आपको ये बतलाएंगे कि अब जो नाइट्रोजन हमने बतलाया सिम्बायोटिक, उस सिम्बायोटिक में कैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में जाते हैं, उन रूट्स में जाने के बाद कैसे लेग्यूम या नोड बनाते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, नाइट्रोजन कैसे अनएक्टिव होती है, नॉन एक्टिव होती है, किस तरह से उसको फिक्स किया जाता है, कौन कौन से बैक्टीरिया सिम्बायोटिक हैं, कौन से नॉन सिम्बायोटिक हैं, सिम्बायोटिक में लेग्यूम प्लांट्स कौन से हैं, नॉन लेग्यूम कौन से हैं, लेग्यूम में भी स्टेम लेग्यूम कौन से हैं, रूट लेग्यूम कौन से हैं, ये सभी एग्जांपल्स आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है वो मैंने स्पेशली आपको दिए हैं ताकि आप उन एग्जांपल पे आरएमआर कर सकें। तो जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ें तो प्रभाव से एक काम करना कि घर जाकर टोटल जो एग्जांपल मैंने दिए हैं उनको नोट आउट करना और उनको एक बार याद कर लेना, जिससे अगर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो इजी गोइंग में कर ही देंगे आप, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो सारी कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। ओके, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा नेम भी हमने बैक्टीरिया के दिए हैं तो उनको भी आपको याद रखने हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे, ओके, जहां हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से नाइट्रोजन जो होती है उस नाइट्रोजन का लेग्यूम का सॉरी नाइट्रेट जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें किस तरह से लेग्यूम का फॉर्मेशन होता है और ये इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। ओके, तो लेग्यूम फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड डे, गुड बाय।